नमस्कार दोस्तों, हम आए राम निवास पहलवान जी के पास, जो पूर्व निगम पार्षद भी है और जैसे कि चुनाव दिल्ली में चल रहे, आज इन्होंने अपना पर्चा भी भरा। तो हम सबसे पहले राम निवास पहलवान जी से बात करते। मैंने इसलिए पर्चा भरा क्योंकि मेरा हर गांव में, पूरे देहात में, मेरा जो है सारे गांव, सारा देहात मेरी इज्जत करता है। खेल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, घर घर बच्चे मेरे चूल्हे लग, बच्चे मेरे को जानते हैं। तो पूरे गुहांड ने, एक किस्म के गांव की 28 आने आके मेरे को कहा भी पहलवान जी आप चुनाव लड़ो, क्योंकि आप बहुत पुराने आदमी हो, पहले निगम पार्षद रह चुके और बड़े वार्ड थे उस टाइम। जो बिजवासन वार्ड था उसमें कपासेड़ा भी आता था, जैसे अब तीन वार्ड उसके कर दिए गए। मैं जो आप कह रहे हो, उस टाइम पे एक ही वार्ड वो था। आपकी बात को मैं एक डाला और सुधार देता हूँ जी। इस टाइम जो बिजवासन विधानसभा है जी, बिजवासन विधानसभा में मैपालपुर और रंगपुरी जी, ये दो गाँव वार्ड में मेरे नहीं थे, पूरा बिजवासन विधानसभा मेरे वार्ड में थी जी। ठीक है ना, तो सबसे पहला तो फायदा मैंने ये होगा कि ये बिजवासन विधानसभा, यानी कि जो आपने आज पर्चा भरा, जो बिजवासन विधानसभा के जो आसपास का जितना भी क्षेत्र है, गांव हो या कस्बा हो, जो भी हो, लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया और पर्चा भरवाया लोग आए, इसीलिए आप एक पार्टी किसी से, या जैसे मैं कुछ देख रहा है, जैसे आपकी टोपी पे है हिंदुस्तान निर्माण दल के द्वारा आपने आज पर्चा भरा। और तो सर, जैसे मैं बात करूंगा कि जैसे आप पार्षद रहे थे, बीजेपी की तरफ से रहे थे, और जो यहाँ पे पहले बीजेपी के भी विधायक रहे, कांग्रेस के भी रहे और आम आदमी के भी रहे, तो क्या खामियां आपको नजर आई कि एक अलग आपने चुना हिंदुस्तान निर्माण दल? मैंने ये हिंदुस्तान निर्माण दल मैंने इसलिए चुना, जो पहले जितने भी यहाँ पार्टी से, बीजेपी से, आप से जितने भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार से ही किया है, विकास कार्य नहीं किए। यानी कि कार्य कोई नहीं हुआ, सिर्फ दावे दावे। तो अभी आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाएंगे और सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? आपने देखो, आपने कहा कि किस मुद्दों पर जाएं। जब मैं निगम पार्षद था, मैंने इतने विकास कार्य कराए हैं कि जनता उन विकास कार्य को लग भूली नहीं है। यानी कि आज भी याद आज भी मेरे को याद इसलिए करते हैं कि पिछले जो भी विधायक या निगम पार्षद रहे हैं, उनसे आज लग इनकी मरम्मत नहीं हुई है जी, उन कामों की मरम्मत नहीं हुई, इसलिए जनता मेरे को जानती है जी। तो अभी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि कुछ लोगों को शायद डाउट है कि पहलवान जी पर्चा भरेंगे या नहीं भरेंगे। नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था, जब गांव के लोग बाग, बड़े बूढ़े, गांव की पंचायत मेरे पास आई, तो मैंने कहा भाई पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर गांव की एक पंचायत ने बार बार, गांव का एक प्रेशर बनया अपने पूरी 28 गांव का मेरे पर प्रेशर बनया, और उस प्रेशर ने गांव की मैंने इज्जत रखते हुए तो मैंने चुनाव लड़ना पड़ा। सबसे कारण तो मैंने चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा कि हमारी सरकार होती हुई मैंने जो किसानों के अपने एरिया के मुद्दे उठाए थे, उसमें मेरी अनदेखी ये की कि डीडीएम हमारे गांव की ज़मीन बिकी हुई है, तो किसानों ने उसमें कोई बेनिफिट डीडीए द्वारा नहीं दिया गया। जैसे आज लग प्लाट नहीं दिए गए, और उल्टे ये कह रहे हैं कि जो प्लाट जो दिए हैं उनको भी वे उल्टे खोस रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बात की जो डीडीए ने इतना क्षेत्र पर जो बिजवासन का काफ़ी अपने हैंड ओवर किया और कोई फैसिलिटी नहीं दी, और जो कुछ प्लॉट दिए वो भी वापस लेने की बात कर रही, तो अगर जनता आपको जिता के आगे भेजती है तो आप इनकी लड़ाई ये लड़ेंगे? देखो, जीता हुआ तो मैं, जब गांव के लोग आए मैंने ये समझ लिया कि पूरा गुहांड आया है, तो मैं जीता हुआ तो हूँ जी। ये तो मैंने ये है भाई, पहले जिस निगम पार्षद में सबसे पहले प्रायोरिटी काम करे थे, इसी तरह मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी तो काम मैंने बनते दो तीन सोचे हैं कि जितनी हमारी डीडीए में के गांव आते हैं अंदर जी, और जिन्होंने ये लग प्लाट नहीं मिले हैं और ऊपर से वे दोष दिखा रहे हैं, अब भाई
इब हम प्लाट भी नहीं देंगे तुम्हारे को। यानी कि सबसे पहले काम आपका यही हो, सबसे पहले जमींदारों के बारे में मैं ये डीडीए बारे में सोचूंगा, करूंगा इसके बारे में होगा। दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये रहूगी, विकास कार्य है तो वो सब करते हैं, सड़क सब बनवाते हैं, काम करते हैं, नाली बनवाते हैं, रोड बनते हैं, रोड टूट जाते हैं, वो होते हैं। मैंने जो सोचा है, मैंने ये सोचा है अपने बिजवासन विधानसभा का विकास तो करना है ही है, पर मैं जब विकास मानूंगा कि मेरे वार्ड बिजवासन विधानसभा में 5 वार्ड है, हर 5 वार्ड में खेल का एक स्टेडियम, यानी कि जो नौजवान है उनके लिए खेल का भी आपका महत्व सबसे आगे रहेगा। मैंने जो है सबसे पहले बच्चों को लैंड चेंज करनी है, जो इनको अब पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, तो पढ़ाई के साथ खेल हो जाता है। जैसे कि आप बच्चों को अभी शायद कुश्ती करवाते हैं और काफी ऊंचे लेवल पे उनको खिलाने भी ले जाते हैं। अब भी मैं बच्चों की कुश्ती करवाता हूँ और काफी मेरे अखाड़े में जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पहलवान और कई चीज़ों में गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक, जूडो में भी है, कुश्ती में भी है और भी कई दौड़ में भी है, इन चीज़ों में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मेरा सोच ये है जब छोटे बच्चों को हम अच्छे स्तर पर खेल में या अच्छी शिक्षा देंगे तो आगे जाकर वे और विकास करेंगे। अजी बच्चों का विकास तो सबका विकास, आज का बच्चा कल का नेता। जी सर, क्या नाम आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, जैसे रामनिवास पहलवान जी हैं, पर्चा भर के आए और बिजवासन विधानसभा से जैसे इन्होंने अभी बताया भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ के लोगों ने इनको सपोर्ट किया, जो भी बिजवासन विधानसभा है सभी ने मिलकर इनको एक पर्चा भरने के लिए जोर डाला, तो इन्होंने उनका सम्मान के लिए यहाँ पर पर्चा भरा? ऐसा है, इन्होंने जो काउंसलर रहते हुए जो काम किया था ना, वो लोग अब तक उसको भूले नहीं है। अब जो इनके बाद जितने भी आए वो डाउन ही हुए हैं, उनके मरम्मत भी नहीं हो पाई, तो लोगों के दिमाग में तो ये था कि भाई ये टिकट मिलेगा इसको, नहीं मिला तो इसके काम को देखते हुए लोगों ने इसको सपोर्ट किया। बनवारी लाल जी, जी क्या कहना चाहोगे पहलवान जी के लिए? पहलवान जी के लिए कहना चाहेंगे जी, ये पहले निगम पार्षद रह चुके और पूरे एरिया में पूरे वार्ड में बहुत कुछ काम किया और अब भी इसको ही चाहते हैं लोग बाग इधर उधर, जो भी जितना अपना वार्ड है पहलवान जी को आने टिकट ना देने की वजह से फिर लोगों ने आके बोले आप निर्दलीय भरो और काम को ठीक करो। जी जी भैया, क्या नाम? मेरा नाम जी कृष्ण गोदारा है। कृष्ण गोदारा जी, जैसे पहलवान जी ने यहाँ पे एक जो पंचायत हुई बिजवासन विधानसभा ही मैं बोलूँगा उसकी जो पंचायत थी उसमें इनको पर्चा भरने के लिए वो किया और ये पर्चा भर के आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे पहले निगम पार्षद भी रहे? देखो जी, ये पहलवान जी यहाँ से 2002 से 2007 तक पार्षद के पद पे रहे और इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए यहाँ पे स्टेडियम भी बनवाया, और जब यहाँ का अब जो विधायक था उन्होंने हमारे एरिए में कुछ ऐसा काम नहीं कराया जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे लोग बाग उनके पास गए हो। यहाँ के आसपास के गांव सब जानते हैं, यहाँ पे इन्होंने अखाड़ा भी खोल रखा है और बच्चों को सुबह शाम दोनों टाइम की अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, और जब ये मौका इलेक्शन का अब आया है तो यहाँ के कुछ गांव काफ़ी गांव के लोग बाग इनके पास आए, उन्होंने कहा पहलवान जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो पहलवान जी ने इसीलिए ये कदम उठाया है। क्या नाम आपका? नीतीश। नीतीश, जैसे मैं देख रहा आप एक नौजवान भी है और पहलवान जी जो यहाँ पे पहले पार्षद भी रह चुके हैं और आज पर्चा भर के आए, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहता हूँ कि जो पुराने काम कराए हैं ना पहलवान जी ने, उनको देखते हुए गांव के देहात के बंदे आए थे तब पहलवान जी ने कदम उठाया है। जी, तो क्या लग रहा है यहाँ नौजवान पहलवान जी के साथ होंगे आपके हिसाब से? हाँ, नौजवान सारे पहलवान जी के साथ हैं और पहलवान जी की एक खासियत सबसे बेटर है कि सबको व्यायामशाला में व्यायाम कराते हैं जी। जो नौजवान बच्चे हैं अच्छी आदत डालते हैं। अच्छा, जैसे कि एक पहलवानी का भी जो अखाड़ा है काफ़ी फेमस है यहाँ पे और बच्चे काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल खेल चुके हैं, और जैसे अभी मैंने बात भी की उनका सबसे पहला मुद्दा है कि जो नौजवान बच्चे उनको आगे ले जाना, तो
आप क्या कहेंगे इसको? मैं कहता हूँ पहलवान जी पहले भी आगे ले जाते थे और आगे भी आगे लेके जाएंगे बच्चों को। पहले भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बनाए हैं पहलवान जी ने और आगे भी यही सोच रहे कि मेरे को सिर्फ व्यायाम बच्चों को सिखाना और डेवलप बच्चे से बचाना और डेवलप कराना। जैसे कि अब हमने यहाँ पे रामनिवास पहलवान जी से बात की और भी लोग थे उनसे भी बात की, जिस टाइम पे निगम पार्षद थे उस टाइम पे जो इन्होंने कार्य किए उसी कार्य को देख के यहाँ के लोगों ने इनको पर्चा भरने पे मजबूर किया और जैसे कि अभी लोगों ने बताया भी है कि पुराने काम को लेके ही लोगों ने इनको याद किया। तो अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है चुनाव की और तो देखते हैं, जैसे 8 तारीख को वोटिंग डलेंगे उसके बाद 11 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ जो लोग एकजुट होकर पहलवान जी को चुनाव में लेकर आए तो उस दिन रिजल्ट का पता चलेगा कि क्या सहयोग रहा इन लोगों का। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।